जो मेरा टॉपिक रहा है और जो मुझे उससे बहुत लगाव है, आप जानते होंगे कि मैथ्स से मुझे बहुत लगाव है, बट मुझे भी मजबूरी या जो भी कहें आपकी डिमांड्स पे या आपके लगाव की वजह से, मतलब जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है और कंसर्न भी नहीं रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे कंसर्न है इन सारी टॉपिक्स को लेके जो आप देख रहे होंगे। फ्रेंकली हम लोग कुछ हम कुछ हम खुद कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं केवल आपके लगाव और आपके इंटरेस्ट की वजह से। तो आज एक ऐसी टॉपिक फिर से लिया है, वो जो मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, पर मुझे लगता है और मैंने फील भी किया है कि बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा कन्वर्सेशन इस बात का रहता है कि बेस्ट मटेरियल और बेस्ट बुक्स कौन सी होनी चाहिए। तो आज जो मैंने तैयारी के टाइम पर एक अच्छे कॉलेज से MCA किया, उन सारे फ्रेंड्स जो अच्छे लेवल पे थे उनके सजेशंस, और जब से पढ़ाना शुरू किया है खुद के एक्सपीरियंस और बहुत सारे अच्छे बच्चे जो वो बुक्स और मटेरियल लेके आए, उन सारे कम से मुझे लगता है ये जर्नी हमारी मेरी खुद की ये 15 ईयर्स की रही होगी जो मैं उन बुक्स और उन चीज़ों से जुड़ा रहा। तो आज इन 15 मिनट्स में मैं कोशिश करूँगा उस सारे 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस को आप तक सहज तरीके से पहुंचा पाएं, जिससे कि आप समझ पाएं। कोशिश हमारी रहेगी, फिर भी अगर क्वेश्चन स्टिल बना रहा कि बेस्ट मटेरियल क्या है, फिर एक और प्रयास करेंगे, हम मन से प्रयास करेंगे। बट आप लास्ट तक जाएं, आपको ज़रूरी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैसे फॉलो करना है। सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन करते हैं तो मटेरियल बहुत सारे होते हैं, और उसको फॉलो करने के लिए एक मेंटर, एक गाइड, एक टीचर की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है तो आप उसको कोचिंग नहीं बोलते हैं, हम कोचिंग वर्ड नहीं दे रहे हैं, आप लोग उसको बोलते होंगे। आप ऐसे गाइडलाइन फॉलो करवाने वाले के अंडर गाइडेंस में आप रहिए, ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर वहाँ पर वो मटेरियल दे रहे हैं जिसको असाइनमेंट बोलते हैं, कि उनका खुद का वे होता है होगा, अगर वो दे रहे हैं तो उसको भी फॉलो करिए। अब बात आती बुक्स की, और हम यहाँ पे कंसर्न है MCA एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो पहले देखते हैं कि MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर कॉमन कॉमन एक हमारे पास चीज़ों को लें, एक कॉमन सिलेबस लें, कोई एक स्पेसिफिकली सब एग्ज़ाम को लेके नहीं, पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके नहीं, क्यों ऐसा एक रीज़न है उसको मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्यों नहीं फोकस करते हैं, ठीक। लास्ट 10 ईयर्स की जर्नी को अगर देखा जाए तो तैयारी के टाइम पे हम अगर अपने 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 एक्सपीरियंस को देखें और तैयारी करवाने के टाइम पे अपने एक्सपीरियंस को देखें, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपडेट होते हुए देखा है और बहुत सारा चेंजेस हुआ है। बच्चा हमेशा एक मेरी बात जरूर सुनना, मैंने बोला कि बुक्स मैं लास्ट में बिल्कुल बता दूंगा, चाहूँ तो मैं अभी बता दूँ, वो 1 मिनट भी नहीं होगा, वो सारी बुक्स आपको मैं बता दूंगा, अगर चाहते हैं तो मैं अभी बता दूं। पर जो मैं फील कर रहा हूं और मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि बच्चा उन बातों पे ही कंसर्न होता है जो पिछली बार के नोटिफिकेशन में लिखी होती हैं बातें। बट हमने हर साल देखा है कि आप एग्ज़ाम अगर पेशेंसली आप नोटिफिकेशन को अपडेट अगर उनकी जर्नी को देखें आप, तो बहुत सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन में आती हैं, बहुत सारे सिलेबस में चीज़ें जुड़ती हैं और बहुत सारी हटती भी हैं। तो अगर आप पिछली बार के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के 3 मंथ्स पहले मुश्किल से आता है, पूरे साल में अगर 3 मंथ्स पहले एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन में कुछ अपडेशन हुआ और आप पहले से प्री माइंड में एक नहीं किए, तो हो सकता कि आपको वो चीज़ पजल करे, परेशान हो जाए। तो आप पहले एक कॉमन सिलेबस पे काम करेंगे, ठीक, ओके, एक एक एग्ज़ाम के सिलेबस को ना लेके कॉमन सिलेबस पे काम करेंगे, ठीक। तो हम मैथ्स, जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, फिर हम लोग रीजनिंग लॉजिकल एबिलिटी के पे जाते हैं, तो रीजनिंग एक बड़ा पोर्शन है, उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उसके बाद और फिर थोड़ा सा पार्ट इंग्लिश का है। इन 5 चीज़ों में MCA एंट्रेंस के एग्ज़ाम को हम देखते हैं कि इन 5 चीज़ों के अलावा एग्ज़ाम के आए क्वेश्चंस को करने के लिए इन 5 चीज़ों पर ही ध्यान देना है। मैथ्स का
70% रूल रहता है, वेटेज रहता है 70% के लगभग। एमसीए में मैथ्स एक सिग्निफिकेंट रखती है, एक मेजर पोर्शन है, मगर 70% अगर मैथ्स कोई कर लिया जाए तो एग्ज़ाम अच्छे से निकल सकता है, लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है। मगर एक हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी कि आपने एग्ज़ाम में मैथ्स केवल पढ़ के गए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाई, आपके फेवर में नहीं गई, तो आप सेफ़ नहीं रह पाएंगे। इसलिए केवल और केवल एक सिंगल सब्जेक्ट पे, सिंगल चीज़ों पर फोकस करना रिस्क लेने वाली बात हो जाती है। ठीक है, वो रिस्क आपके फेवर में रहे, अगेंस्ट में रहे तो ऐसा क्यों करें, क्योंकि हम किसी गेम को नहीं खेलने जा रहे हैं कि हमें दोबारा मौका मिलेगा, कि लाइफ की बात है, शायद हो सकता है तो आपको जीवन में कभी मौका ना मिले, चांस ना मिले, तो इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 60% तक जाता है ये। ठीक है, 70 से 60% वैरी करता है, डिपेंड ऑन द एग्ज़ाम। वो सारे अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में हम लोग फिर से और डीप में जाएंगे। रीजनिंग, रीजनिंग का पोर्शन अगर देखा जाए तो 20 से 30% तक वैरी करता है। ओके, कंप्यूटर देखा जाए तो 5% रहता है। अगर रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा कम आता है, मैथ्स के पोर्शन को थोड़ा कम कर दिया गया, तो एप्टीट्यूड 2% से लेके 5% से जाती है। और बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पर एप्टीट्यूड, क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक, इंग्लिश को हम 1% मानेंगे या 2% मानेंगे, बहुत कम पोर्शन आता है इंग्लिश का। ठीक, तो चीज़ों को हम लोग इस तरीके से मान रहे हैं। सिलेक्शन वाली बात है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, जिनका देखा जाए जो प्रिपरेशन करते हैं तो जो बुक्स पूछते हैं, और कोई अच्छी बुक्स की बात होती है तो वो क्यों पूछते हैं, मुझे पता है इसका रीज़न, और जब मैं बताऊंगा तो हंसेंगे, मुस्कराएंगे। बुक्स पूछने का ये रीज़न होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मैथ्स कमज़ोर है, जो ये पूछते हैं बार बार, कि जब ये मैथ्स पढ़ते हैं, कहीं पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि मैथ्स में बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत समय लगेगा, मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, मुझे इससे डर लग रहा है। और एमसीए में कोई ऐसी मुझे बुक्स मिल जाए कि मैं उसको पढ़ के, ठीक है, चीज़ों को मिनिमाइज़ कर पाऊँ। उनके दिमाग में ये भी चलता रहता है कि मैथ्स को कम करते हैं, अगर मैथ्स हमारी 60% है तो 40% हमारी ये भी है, 10-15% इधर करते हैं, 40% पूरा इधर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जैसे निमसेट का मैं एक बार मार्किंग पे चला जाऊँगा तो देख लीजिए कैसे होता है। टोटल 1000 होता है, टोटल मैथ्स को अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कितने हैं, 50 हैं, इंटू 12 करेंगे तो 600 मार्क्स ये हुए, ये मार्क्स हैं। देखिए मैं एक छोटी सी ग्रिड बना दे रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज, तो 600 हो गया। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चंस 6 नंबर का होता है, 6 नंबर का, तो 240 यहाँ पे हम डिफाइन कर दे रहे हैं, आगे भी कर देंगे। और कंप्यूटर 10 क्वेश्चंस 8 नंबर का होता है, 80 ये स्कोर करता है। इंग्लिश 20 क्वेश्चंस 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 80 हो गया। ठीक है, जब टोटल आप करेंगे 1000 हुआ कि नहीं हुआ भाई। ठीक, तो एक बार और क्लियर कर दें मैथमेटिक्स के लिए। और भाई देखिए, इस बार वीडियो आप देख लें तो दोबारा फिर ये ना पूछते घूमे कि मैथ्स का या निमसेट का, हमें ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, फिर आप चार जगह पूछते रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर कट आपके सामने। मैथमेटिक्स में वन क्वेश्चन से होता है 12 नंबर, कितने का, 12 नंबर। ओके, 12 नंबर का होगा। ठीक, और निगेटिव, ये पॉजिटिव है मतलब इतना बढ़ेगा आपका, और निगेटिव में जाएंगे तो 1/4, कितने का, 1/4, तो 1/4 ऑफ 12 दैट इज 3,
तो थ्री नंबर्स क्या होंगे, कट होंगे, माइनस में जाएंगे, ठीक है, अगर गलत करते हैं आप। देखिए हम निगेटिव मार्किंग भी यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ओके, सुन रहे होंगे आप लोग, निगेटिव मार्किंग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। मार्किंग कितने मिलेगी, ये मैथ्स का क्वेश्चन का वेटेज कितने का है, 12 नंबर का, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद कंप्यूटर का ले लेते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग, कंप्यूटर का लेता है तो वन क्वेश्चन एट नंबर्स, कितने का, एक नंबर, एक क्वेश्चन निगेटिव क्या आ जाएगा, 8/4, तो टू नंबर्स क्या होंगे आपके, निगेटिव होंगे, माइनस होंगे, ठीक। फिर हम देखते हैं रीजनिंग या एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, लॉजिकल बोल सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल एबिलिटी, वैसे रीजनिंग की जगह क्या लिखना चाहिए था, लॉजिकल एबिलिटी, मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक, जहाँ पर भी लॉजिक लग रहा है वो सब कुछ आ रहा है, मैथ्स भी इसमें आ सकती है, ठीक। ये सिक्स नंबर का होता है, कितने नंबर का होता है बताया, सिक्स, इसका 1/4 करेंगे, 6/4, बताइए भाई कितना आएगा, 3/2, 1.5, कितना, 1.5, ठीक है। इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश का फोर नंबर्स ना, भाई नीचे टैली कर दे जाइए, चार नंबर का इंग्लिश लिया, कंप्यूटर 8 नंबर का लिया, रीजनिंग 6 नंबर का लिया और मैथ्स 12 नंबर का लिया, इसका 1/4 तो 1, ठीक। निगेटिव मार्किंग भी आपको डिफाइन कर दी गई, ये सब क्या है, निगेटिव मार्किंग, ऐसे नंबर कटेंगे। पॉजिटिव मार्किंग डिफाइन की मतलब कितना आपका गेन होगा, ठीक है, टोटल ये मैट्रिक्स है, गेन इमसेट का टोटल मैट्रिक्स आपके सामने है, रैंक इस बेस पर बनेगी, ठीक है। जब टोटलिंग होगी, ये भी ध्यान रखें, टोटलिंग जो होगी, जो आपका स्कोर होगा, रैंक नहीं स्कोर होगा, वो जो आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें चार का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने का होगा, हाँ तो उसमें लिखा रहता है, जैसे पेपर आता है तो लिखते हैं कि ईच क्वेश्चंस हैविंग 4 मार्क्स एंड 1 मार्क्स विल बी डिटेक्टिव, डिटेक्ट हो जाए कम हो जाएगा, तो लोग सोचते हैं मतलब अभी हमने ये देखा था यहाँ 4 नंबर का है, तो टोटलिंग होगी आपकी वो क्या होगी, ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन कितने 4 का होगा, मगर जब रैंक बनेगी तो ऑन द बेसिस ऑफ रैंक विल बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, ठीक है, क्लियर हुआ, वो कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रैंक इस बेस पे अलॉट की जाएगी, टोटल आपका उस बेस पे होगा, ठीक। तो इसीलिए जब भी रैंक की बात, रैंक क्यों, हम लोग कंसर्न रैंक पे है ना, तो इसकी इसीलिए बात आता कि 1000 का टोटल, ठीक। तो अब यहाँ देखें तो 1000 में 600 नंबर का क्या है, मैथ मतलब 60% हो गया सीधे सीधे, वह निकाल नहीं निकाल मैं निकाल दूँ, हाँ 60% ये हुआ कि नहीं, ठीक। अगर ये देखें तो आप परसेंटेज निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 80 कितना हो जाए, 80 अगर 80 100 का निकाल, 1000 का निकालें तो 8% हुआ कि नहीं, 8% ये भी हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, 24% हुआ ना, 24 हुआ और 60 ये हुआ, तो मतलब लगभग वही है ना, ठीक है, हमने बोला 60% अगर ये होगा तो 20 से 25% ये हो जाएगा, ठीक है, 5% या 8% हो गया, बाकी 8% हो गया भाई, 2% 3% यहाँ पे तो लिया है, तो ये वाला पार्ट यहाँ ऐड होगा कि नहीं, ओके, ठीक है। तो अगर इस बात को ध्यान दें तो 60% 65% या 70% लोग मैथ्स को मानते हैं, 40 से लेके, ठीक है, कम होता जाता है लॉजिकल एबिलिटी, बाकी आपके पास नोटिफिकेशन है, बाकी आपके पास सिलेबस है, बाकी आगे हम जाएंगे तो हर पर्टिकुलर एग्ज़ाम का सिलेबस भी आपको देंगे, ठीक। अब आई बात मटेरियल की, ठीक, तो आप दिमाग में बना के रखें कि मैथ्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, लॉजिकल एबिलिटी, इंग्लिश और कंप्यूटर को डिनाई नहीं कर सकते अगर आप रैंक के लिए लड़ रहे हैं, रैंक के लिए लड़ रहे हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मामला क्लासेस में अगर रैंक आई तो इन सब बातों पर बहुत ध्यान दिया गया था भाई, ठीक, आपको इंग्लिश भी करना है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कि मटेरियल और बुक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। एज ए टीचर देखा जाए तो आर डी शर्मा मैथमेटिक्स के लिए फॉर इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2
ट्वेल्थ लेवल पे भी आती है, मगर हमने बोला कि जैसा एग्ज़ाम है, जैसा एग्ज़ाम है, जैसे बोला जाए जैसा देश वैसा वेश। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, मगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे। जैसे 2020 मैच के लिए आप वनडे वाली अपनी स्कीम लगाएंगे तो आप फिजिबल नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव है, तो ये कुछ लोग ये ले लेते हैं कि और बेसिक फाउंडेशन के लिए बुक्स चाहिए, ठीक। मगर कॉम्पिटिशन के लिए क्या आपको लेनी होगी, ठीक। जब आप और बहुत सारी बुक्स हैं, उनके चाहें तो नाम लिख सकते हैं हम लोग, बट मैं उनको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करता हूँ। 7 बुक्स लगाने पे भी बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करता हूँ कि बहुत सारी बुक्स आपने लगा ली। पहले मुझे लगता था ये अच्छा होगा, बट ऐसा मुझे अभी नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, ठीक। सेल्फ स्कोरर है, अमित एम अग्रवाल है, दिशा पब्लिकेशंस है, TMH है, दिनेश है, प्रदीप है, बहुत सारी बुक्स हैं। तो वो सारी बुक्स, आर सगवाल की बुक्स है, वो भी अच्छी हैं। आरडी शर्मा क्यों अच्छी है, उसका रीज़न है। आरडी शर्मा कैसे पढ़ी जाए ये भी मैं आपको बताता हूँ। आरडी शर्मा जब भी आप लेते हैं तो इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल्स से आप शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल्स तो सही हैं, जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल्स थोड़ा सा लेंदी हो जाने लगते हैं, टफ होने लगते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, फिर तब तक आप देखते हो एक्सरसाइज, तो आपको लगता है एक्सरसाइज भी पड़ी हुई है, चैप्टर टेस्ट, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये लग ही नहीं पाएगा। जो भी आरडी शर्मा में एग्जाम्पल्स दिए गए वो अपडेट किए गए अभी रिसेंट्स में, ठीक है। वो जेई एडवांस को लेके, तो जेई एडवांस के क्वेश्चंस तो आपको करने नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस को मत करिए। उसमें भले ही सोल्यूशन दिया हो, वो आपको बहुत ज़्यादा पजल करेंगे, परेशान करेंगे, लेवल से ज़्यादा हो जाएंगे। आप एक्सरसाइज लगाइए, क्या लगाइए, एक्सरसाइज। अब एक बात ध्यान दें, एक्सरसाइज में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, शायद नहीं ध्यान दिया होगा। आरडी शर्मा जी में एक खासियत है इस बुक्स में कि जब लास्ट से बॉटम टू टॉप चलेंगे आप, तो बॉटम टू टॉप, जो बॉटम मतलब लास्ट में जो क्वेश्चंस पहुंचते हैं, तो वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। कहाँ होते हैं, हाँ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। लास्ट में वही क्वेश्चंस वो रिपीट होने लगते हैं कॉन्सेप्ट, और वो इसलिए रिपीट होते हैं कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। अब उसमें सन या ईयर या कोई ऐसा एग्ज़ाम उसमें मेंशन नहीं होता है, तो आप समझ नहीं पाते। जब आप एग्ज़ाम के ओरिजिनल पेपर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एग्ज़ाम में वो आए हुए क्वेश्चंस पीछे हैं। शुरुआत में क्वेश्चंस वो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको देते हैं, कभी कभी क्या टफ हो जाते हैं। पेशेंसली आप ये वाले क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, और थोड़ा समय लगेगा आरडी शर्मा के लेवल पर पहुँचने के लिए, उसको लगाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, बट आप उससे दूरी ना बनाएं, डिस्टेंस ना बनाएं। किसी तरीके से आप अपने टीचर को, जो भी आपका गाइड है, आप उससे रिक्वेस्ट करिए, आप अगर समय नहीं दे रहा है तो समय मांगिए। और कैसे भी क्या है, उस बुक्स को आपको पूरा करना है, कैसे भी उस बुक्स को करना है। अगर हमारे आप लेक्चर देखते हैं, लेक्चर में जो कंटेंट रहता है उसके बाद वो बुक्स ज़रूर लगाइए। असाइनमेंट तो हमारे मिल नहीं सकते हैं, मिल नहीं पाएंगे। असाइनमेंट अगर मिल पाते तो आप लेवल वाइज कर पाते, जो अच्छा होता, बट आरडी शर्मा अगर आपके पास है आप उसको फॉलो करिए, ठीक। मैथ्स में सफिशियंट है, बिना किसी टेंशन के इतना लगाइए फिंगर पे आपकी आरडी शर्मा हो जाए। कहीं से खोलें आप, लास्ट में, लास्ट इन द सेंस नवंबर दिसंबर में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा बार बार पूछेंगे तो मैं ही बोलूँगा, ठीक। बाकी आप पूछते रहिए फेसबुक पे, आप बहुत सारे चीज़ें पूछते रहते, ग्रुप पे पूछते रहते हैं, मुझे पता है इसके बाद भी पूछेंगे। वो आपकी आदत है, जिनकी आदत है वो ही करता रहे, जिनकी आदत नहीं बनाना है उनको इसको मतलब दिमाग में 2+2=4 होता है वैसे बनाना है, ठीक। अब आते हैं लॉजिकल एबिलिटी पे। दो बुक्स बहुत अच्छी हैं, B.S. सिजवाली और R.S. अग्रवाल। कुछ सालों पहले R.S. अग्रवाल बहुत फॉलो की जाती थी रीजनिंग के लिए, मगर इन्होंने उतना ज़्यादा अपडेशन नहीं ला पाए। ना अपडेशन लाने की वजह से, रिसेंट के नए क्वेश्चंस को ना अपडेट करने की वजह से ये मार्केट में धीमे धीमे थोड़े पीछे चली गई। सिजवाली, B.S. सिजवाली में R.S. अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं, और नए एग्ज़ाम में बैंक PO और जो बहुत सारे स्टैंडर्ड एग्जाम जहाँ पर रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल पे आती है, एप्रेजल बहुत अच्छे लेवल पे आती है, सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल पे बैंक में, PO लेवल पे, कैट में, इन सब में रीजनिंग बहुत अच्छी आती है। तो इन्होंने वहाँ पे अपडेट किया, एक्सरसाइज को लेवल वाइज किया। ये उतना ज़्यादा एक्सरसाइज को लेवल वाइज नहीं कर पाए,
इन्होंने अलग अलग कैटेगरी की किया, मास्टर एक्सरसाइज अलग कर दी, लेवल वन लेवल टू अलग कर दिया। तो आप जब प्राइमरी लेवल पे होगे तो आप वो कर सकते हैं, आपको अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं तो मास्टर एक्सरसाइज लगाइए। तो इसलिए भैया सहजवाली को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, अगर ये भी है तो ये भी काम चलाएगी, बट इसको करिए अगर खरीदने जा रहे तो। ठीक, सफिशेंट है, इससे ज़्यादा आपको बाहर नहीं जाना है, हॉनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाना है। बार बार आप पूछेंगे कुछ भी जवाब नहीं मिलेगा। ठीक, एक्स्ट्रा बहुत सारी बुक्स हैं, बट आप इतना कर लीजिए बहुत अच्छा है, उसके बाद फिर बताएंगे। एक हम और एक ऐसा फिर से इन्फॉर्मेशन देंगे कि इतनी बुक्स अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आपको कौन सी बुक्स कंप्लीट करनी है। ओके, उसके बाद एप्टीट्यूड अगर जाते हैं आप, हाँ तो एप्टीट्यूड में आपको आर एस अग्रवाल लगानी है। कौन सी लगानी है? अग्रवाल। ठीक, उनके एग्जाम्पल्स भी लगाइए, यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल्स के लिए बोल रहे हैं। अगर एमिनेशन लेवल पे एग्जाम्पल लगाइए, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं दिए हैं, पर उन्होंने इतने दिया है कि वो लगा लेंगे, तो आपका एप्टीट्यूड का लेवल जो है अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने लेवल वाइज किया है। उसके बाद फिर कोई बुक्स आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर की बात आती है, तो कंप्यूटर में एक समस्या है, कंप्यूटर में आप कितना भी ढूंढें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कोई बुक नहीं मिलेगी आप मार्केट में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक आपको चाहिए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप गेट की कोई बुक्स खरीद लीजिए, गेट एग्ज़ाम की। गेट में कंप्यूटर साइंस की गेट के एग्ज़ाम में सब कुछ आता है, तो बेसिक फंडामेंटल की आप बुक्स खरीद लीजिए, महंगी मिलेगी, और वहाँ पर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा होगा कि बुक बहुत मोटी होगी, उसमें आपका थोड़े से पेज आपके लिए काम के आएंगे, ठीक, मगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कंसर्न है तो वहाँ पे जाइए, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर में होने भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉलेज कंसर्न है, एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी, अगर आपने आईटी कंप्यूटर साइंस बीएससी या आपने बीसीए किया है, तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी आपके नोट्स रहे हैं उस लेवल के, आप नोट्स को कलेक्ट करिए दोबारा, और फिर से उनको दोबारा फिर से बनाइए, और उस लेवल बनाइए जिस लेवल पर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। दूसरी बात, जब भी आप कंप्यूटर पढ़ें तो ऐसे नहीं पढ़ें, एग्ज़ाम का सिलेबस ज़रूर देखें। क्या देखें? ये मेरी बात ध्यान रखें, कंप्यूटर के लिए मैंने एडवाइस किया है, या देखा जाए तो लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए ज़रूर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस। कंप्यूटर बहुत कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल बहुत ज़्यादा होता है, आप नहीं संभाल सकते हैं। नेटवर्किंग भी फंडामेंटल है, डीबीएमएस भी फंडामेंटल है, ओएस भी फंडामेंटल, सबका फंडामेंटल बेसिक हम फंडामेंटल होता है। तो जो जैसे निमसेट आपने लिया, तो निमसेट में आप देखिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, तो उसमें एक टाइप है, ठीक है। के मैप का एक क्वेश्चन आता है, जैसे आता है बुलियन का एक आता है, एक्सेस थ्री कोड ग्रे कोड इसका बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको क्वेश्चन की कैटेगरी देखनी होगी, उस कैटेगरी क्वेश्चन को ही आपको कलेक्ट करना होगा, वो जहाँ भी मिले आपको करने हैं। तो कंप्यूटर कंसर्न आप एग्ज़ाम पे होइए, एग्ज़ाम के सिलेबस को देखिए, उसके पेपर का एनालिसिस करिए अपने आप, या वो खुद करना है, और जैसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को एक दायरा बनाना है, उसी पर परफेक्शन हासिल करना है ज़रूर किसी भी तरीके से, ठीक। इंग्लिश की बात आती है, तो इंग्लिश का एक काम है कि आप जो भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम के पेपर में जो आए लास्ट के क्वेश्चन हैं उनको करिए, उनको नेट से ढूंढिए, उनके साथ साथ जब आप कोई क्वेश्चन जैसे जा इंग्लिश का एक क्या रीज़न, एक और तरीका बताते हैं कि जैसे क्वेश्चंस आपने किया, वो क्वेश्चंस आपने ढूंढा एग्ज़ाम में आया, आप नेट पे डालते हैं, उसका आंसर मिलेगा। जब भी आप नेट पे कोई चीज़ डालते हैं तो उसके सब लिंक्स भी आते हैं, उस टाइप का मटेरियल भी आता है। आता कि नहीं आता है? आता है, तो इसका मतलब वही टाइप के मटेरियल को भी आप देख एक बार सेव कर लीजिए, जहाँ क्वेश्चन था उसके साथ साथ सिमिलर और क्वेश्चन होंगे, तो एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और मिलेंगे आप, ठीक है। आप उनके धीमे धीमे बनाते जाइए। क्या करना होगा आपको? गूगल पर सर्च करना होगा, सिनोनिम्स कोई डाला, ठीक है, गूगल पर सर्च किया, उसके साथ साथ और कोई वोकैबुलरी उसको आप देखिए, उसको आप शुरुआत से बनाते जाइए। 8-10 क्वेश्चंस आपको करने हैं, एकदम से नहीं पढ़ा जाएगा, ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए, ना ही किसी कोचिंग को लीजिए, ना ही 1-2 घंटे आपको पढ़िए, इससे आपका समय लॉस होगा। आप एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को गूगल पर डाल के उसका आंसर लिखे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम उसको भी नोट करते हैं, ये रेगुलर आप हैबिट में बनाएं। 5-10 मिनट आपको लगना है, बस इतना ही करना है। सिलेबस के मामले में इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं आता है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को भी देखकर लाइक करके और थोड़ा और नाइस वीडियो करके आप आगे बढ़ जाते हैं, फिर से आप वही जर्नी शुरू कर देते हैं, कुछ दिन बाद आप मोटिवेट हुए, फिर से आप वही बातें क्वेश्चन पूछने लगे,
मुझे लगता है कि आप किसी के भी देख लीजिए, बहुत सारे आपके पास मटेरियल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं। मैंने बोला कि वो उनका एनालिसिस बेकार है या उनका जाया है, वो भी अपने एफर्ट से बताते हैं। बट मेरी बात को शायद मारुला क्लासेस के एज ए मेंटर आप लेंगे तो आपको शायद थोड़ी वजनदार लगेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आया, ये मेरा प्रयास, आपको लगता है कि मैथ्स की क्लास के साथ साथ ऐसा भी चलना चाहिए, कुछ दिन पहले मैंने सोचा है, अगर आपको लगता है कि मैथ्स पढ़ाने के साथ साथ ऐसा कुछ करें और मैं मेरा बताने का तरीका आपको इरिटेट नहीं कर रहा और कुछ इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर वहाँ पर लिखिए। तो कुछ थोड़ी मैं इस पर कोशिश करूँगा, इस बात का मेरा प्रयास रहेगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद और ब्लेसिंग्स आपको देना चाहूँगा कि आप मन से पढ़ें और मन लगा के पढ़िए, ठीक, रिजल्ट आपका आएगा।